वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास एट्थ रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड। जिसने रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट और टेंथ तक चैप्टर नहीं कर पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाकर और देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड लर्न से ब्रिलियंट मतलब होता है चतुर, जीनियस मतलब जो कि बहुत बुद्धिमान हो, अनएक्सपेक्टेड मतलब जो चीज़ अपन कल्पना नहीं करते और वो चीज़ हो जाती है, डैमेज मतलब होता है क्या खतरा, क्षतिग्रस्त होना सॉरी। बिलोंग मतलब किसी से संबंधित, राइज मतलब होता है क्या उठना, वेजिटेरियन मतलब होता है शाकाहारी एंड एस्ट्रोनाउट मतलब जो अंतरिक्ष की विद्या होती है ना उसको बोलते हैं, परहैप्स मतलब होता है शायद, प्रिटी मतलब होता है सुंदर, पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, सेम्प्यूचियस मतलब होता है वैभवशाली। चलिए देखते हैं अब हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स बर्ड पावर। फर्स्ट है कृष्णदेव राय रिवॉर्ड द आर्टिस्ट विथ द, जो कृष्णदेव राय है वो आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट कौन था, राजा वर्मा था, उसको प्राइम मिनिस्टर का मतलब कि वो दिया था पद दिया था या फिर चीफ मिनिस्टरशिप का, तो चीफ मिनिस्टरशिप सही आंसर है। सेकंड हम देखेंगे राजा वर्मा बास अ ब्रिलियंट, वो कुक थे क्या आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, कलाकार थे। सेकंड देखेंगे राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन या इन एज प्रीफिक्स, आपको क्या करना है उपसर्ग लगाने अन या फिर इन, अन या इन लगाकर हम उसको नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ अनहैप्पी, इनकम्प्लीट, अनप्लेजेंट, इनफैक्ट, अनसीन, अनफेयरली, अनकंडीशनल, अनहेयर्ड, अनरेस्ट, अनफेल्ट। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, पिक द ओड वन आउट, आपको क्या करना है ओड वर्ड को आउट करना है। देखिए क्लॉक मतलब घड़ी, वॉच मतलब घड़ी, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर, टाइम पीस मतलब भी टाइम बताने की मशीन होती है, तो ट्रैक्टर अलग है, तो ट्रैक्टर जो है वो ओड वर्ड है, ओड वर्ड मतलब होता है अजीब वर्ड। सेकेंड देखेंगे थीप मतलब चोर, डक मतलब क्या होता है बदक, रोवर मतलब चोर, पिक पॉकेट पॉकेट मारने वाले को भी चोरी बोला जाता है, तो डक जो है वो सबसे अलग है, तो द राइट आंसर इज ट्रैक्टर एंड डक। चलिए देखते हैं राइट अ सिनोनिम्स ऑफ, इनके मतलब समानार्थी शब्द इसमें फिल करने, ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन मतलब क्या होता है किसी चीज़ में भाग लेना या ऐड करना, तो ऐड लिखेंगे, मूव मतलब कि जाना कहीं या फिर वहाँ से मूव करना, ये शिफ्ट करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर स्ट्रिंग का राइमिंग वर्ड क्या होगा, रिंग भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, हाई का राइमिंग वर्ड डाय होता है, हाई डाय। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है हाउ डिड द किंग इज द स्टोरी मिजर फॉर मिजर रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती कैसे रियलाइज हुई थी, तो द तेनालीरामा आस्क्ड द किंग इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम, ध्यान से सुनिएगा, अ चीफ मिनिस्टर कांट कारपेंटर बिकम अ कुक, द किंग एडवांस रियलाइज हिज मिस्टेक, और एक ही बार में उसको अपनी गलती महसूस हो गई थी, रियलाइज हो गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि जब एक कलाकार चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक बढ़ई खाना बनाने वाला नहीं बन सकता, तो उसको उसकी गलती एहसास हो गया था। देखेंगे व्हाट इज़ अ डिजास्टर, चलिए देखते हैं, सो डिजास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज एक्सीडेंट, अ फ्लड्स और फायर, ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, अकल्पनीय बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं इसको, दुर्घटना जो फ्लड या फिर फायर के द्वारा होती है, फ्लड मतलब कि बाढ़ और दूसरी चीज़ क्या आग के द्वारा। वेयर डू द बर्ड स्लीप, जो बर्ड्स हैं वो कहाँ स्लीप सोते हैं, तो ये पार्ट में लिया गया, देखिए जो फर्स्ट है वो लेसन सिक्स से लिया गया, जो सेकंड है वो भी ये लेसन सेवन से लिया गया, और शायद ये एट से लिया गया है द मून। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बर्ड्स स्लीप्स इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज, वो जो फॉर्क होती है ना ट्रीज़ की उन पर सोते थे। चलिए आगे देख, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है बाय डिड तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस, कोर्टियर्स तो क्यों उसने इन्वाइट किया था, चलिए इसका आंसर देखते हैं, तेनालीरामन इन्वाइटेड द किंग द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस टू फाइंड अ वे रिमूव आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप,
उस आर्टिस्ट को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक रास्ता खोजने के लिए उसने उन सबको बुलाया था। हाउ इज़ योर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स, आपकी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो फ्लड से, बाढ़ से कैसे इफेक्ट होती है। सो देयर आर सेवरल इल इफेक्टेड बाय फ्लड्स सच एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये हमारी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, डिस्ट्रक्ट कर सकती है और प्रॉपर्टी को भी। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ द डॉग डूइंग इन द पोएम द मून। द मून पोएम में डॉग क्या करता है, हाउलिंग करता है। द डॉग इज़ हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस, तो वो क्या करता था, भौंकता था, लेकिन कहाँ, डोर के पास। वॉट वर कल्पना चावला हॉबीज, कल्पना चावला की जो हॉबीज़ हैं वो क्या है। सो हेयर हॉबीज़ वर, हर हॉबीज़ वर रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। इट आंसर है वॉट डू द बलून लुक लाइक इन द स्काई, जो बलून है वो कैसा दिख रहा, मतलब कैसा दिख रहा था। आंसर है हाँ, द बलून लुक प्रिटी इन द स्काई, वो कैसा लग रहा था, प्रिटी लग रहा था, सुंदर लग रहा। चलिए अब आगे देखते हैं, यूज़ करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन क्या करना है इसमें, मतलब लिखने। पहला दिया गया है द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट, द किंग इन्वाइटेड द आर्टिस्ट ब्लैंक द कोर्ट, तो टू आएगा। अगर प्रॉब्लम है तो मिजर फॉर मिजर का पार्ट पढ़ लेना। कहाँ बुलाया था, कोर्ट में बुलाया था। He was well known for his genius. वो किसके लिए जाने लगे थे, अपनी genius, मतलब बुद्धिमत्ता के लिए। Divide these sweets all the student among या between, among जो है दो से ज़्यादा जन के लिए among आता है, अगर दो हैं तो between आता है। ठीक है, तो among आएगा। I have been reading this novel since 3 o'clock, तो देखिए यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया कि मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो सिंस आएगा। अगर यहाँ 2 से 3 घंटे बोलते तो हम क्या लिखते, फॉर, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए सिंस यूज़ किया जाता है। द टीचर इज प्लेस्ड विद द स्टूडेंट्स, है ना। द वेल रैंग एंड ऑल द स्टूडेंट रैन टू द देयर क्लासरूम, है ना। 6 जी वाला देखेंगे, वी ट्रेवल्ड बाय बस। द डॉक्टर इज सिटिंग इन टू हिज क्लिनिक, भाई मैं ये सारी वीडियोज अपलोड कर दूंगी, एक तो इन इन टू की, बाय विथ की, इसके बाद अमंग बिटवीन की, फोर टू की, फोर सिंस की। ठीक है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग एंड या बट, अब क्या करना रहता है, इनके बीच में ही लगाना रहता है। किन के बीच में, इनके बीच में। तो फर्स्ट में आएगा क्या, सेकेंड में आएगा क्या, थर्ड में आएगा क्या, बट, फोर्थ में आएगा क्या, एंड, और फिफ्थ में आएगा क्या। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व करा है। फर्स्ट का है गिव मी अ पेन ग्लास ऑफ मिल्क एंड लॉफ ऑफ ब्रेड, सी इज़ अ गुड प्लेयर बट सी इज़ नॉट अ गुड रीडर, द डॉक्टर डिड देयर बेस्ट बट द पेशेंट है ये डेड। आर्यन कम फर्स्ट इन साइंस एंड आर्यन कम फर्स्ट इन इंग्लिश। इसके बाद ये जो फिफ्थ है उसमें लिखेंगे कि सी डिलीवर्ड अ गुड स्पीच बट मैनी ऑफ अस कुड नॉट हेयर। तो देखिए क्या रहता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम लगाते हैं क्या नॉट, अगर दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लगाते हैं क्या एंड। अगर आपको एंड और वट और की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए और देख लीजिएगा। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको कि 1 to 9th तक की सारी फुल रीडिंग, इसके बाद क्वेश्चन आंसर रिविजन एक्सरसाइज सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, आपको वहाँ पर सारी लिंक मिल जाएंगी, आप जाइए देख लीजिएगा जो भी आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।